कैसे आप सब, आई होप अच्छे ही होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ गाइस। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ये है मुरादनगर नहर, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और दोनों साइड में देखिए काम चल रहा है इसमें RRTS का, देख सकते हैं। और इसे NCRTC बहुत तेज़ी के साथ में इसको, इस रूट को कवर किया जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि साहिबाबाद से और दुहाई के बीच में लगभग ये काम कंप्लीट सा ही हो चुका है, जो कि इसके गाज़ियाबाद स्टेशन और दुहाई स्टेशन ही बचा हुआ है, बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीर, और आप लोगों को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये इन्होंने पाइल किया हुआ है, देख सकते हैं। इसमें ये चार पिलर के ऊपर इनको तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन का काम किया जाएगा, फाउंडेशन हो जाने के बाद में एक पिलर खड़ा कर दिया जाएगा, उस पर रिंग का काम किया जाएगा, रिंग लगा जाने के बाद में इस पर कंक्रीट की मदद से भर दिया जाएगा, और उसके बाद में इस पर पिलर कैप का काम किया जाना है। और पिलर कैप का काम हो जाने के बाद में फिर इस पर लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी ये काफ़ी तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मिस्त्री लगे हुए हैं वर्कर्स, देख सकते हैं ये चार पिलर हैं, क्योंकि इन्हें ज़मीन के हिसाब से ही ये पाइल करते हैं कि यहाँ पर कितने पाइल किए जाने हैं, कितने नहीं किए जाने, क्योंकि कहीं कहीं ये चार हैं, कहीं कहीं ये पाँच हैं, कहीं कहीं ये छः हैं गाइस, पाइल किए जा, देख सकते हैं। और यहाँ पर ये तोड़े जा रहे हैं अब इसको, ये क्या नाम, कंक्रीट तोड़ा जा रहा है इनका, ये सरिये निकाले जा रहे हैं ताकि ये से बिल्कुल सही करके फिर इसके बाद में इस पर फाउंडेशन ये कर दिया जाएगा, फिर एक पिलर ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। देख सकते हैं ये पांच पिलर के ऊपर एक पिलर खड़ा करेगा। और आपको बता दूँ गाइस के जो ये पिलर बनाए गए हैं, ये फाउंडेशन बनाया गया है, आपको बता दूँ कि ये जो पाइल किया हुआ है 120 फुट ज़मीन के अंदर है गाइस। इसमें देखिए जो एक पायल है, और इसमें पांच पायल हैं, अब तब लगा सकते हैं आप लोग गिनती के कितने हो गए, क्योंकि एक पायल 20 फुट का है गाइस। अब 20 फुट लगा लो कि कितना जाकर है, क्योंकि ये मोटे पे जाकर रुक जाता है। और देख सकते हैं कि इस तरीके से ये फाउंडेशन बना दिया, और इस पर ऊपर पिलर भी ये खड़ा कर दिया गया, और इस पर ये रिंग लगाए जा रहे, देखिए वो साइड में पड़े हुए रिंग, ये रिंग लगाए जाने के बाद में फिर इस पर कंक्रीट की मदद से ये भरा जाएगा गाइस। क्योंकि आप लगा लो कि ये मुरादनगर की नहर है, और एक मुरादनगर नहर के बीच में है, और एक ये साइड में, और एक उस साइड में है गाइस। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, नज़ारे कुछ ऐसे हैं। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं कि वो बीच में है, नहर के बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया गया है, ये साइड में है, देख सकते हैं इस पर रिंग लगाया जा रहा है, और दूसरा ये आ जाता है, देखिए इसमें भी ये चार पाइल है। अब इसको ये तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तेज़ी के साथ में इस पर बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया है। और देखिए नीचे तो ये फाउंडेशन लगा दिया गया है, जो इसका ये जो लाए गए हैं, ये देख सकते हैं, ये इसका सेटरिंग है गाइस। तो सेटरिंग लगाए जाने के बाद फिर इसको भरा जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ JCB, ये मिट्टी, अब इस पर जो फाउंडेशन बनाया था उस पर डाला जा रहा है मिट्टी, ताकि ये ऊंचा हो जाए। देख सकते हैं आप लोग JCB द्वारा ये वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में। और इस पर अभी रिंग लगाए जाने हैं, क्योंकि नीचे इन्होंने रिंग लगाए हैं, क्योंकि इन्हें भरना पड़ता है गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो KP Sant के चैनल पर, KP Sant लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है गाइस। देख सकते हैं ये चार पिलर, ये चार पिलर हैं दोस्तों, देख सकते हैं तस्वीरें। अब ये चार पिलर अंदर हैं, जो कि ये 60 फीट नीचे ज़मीन के हैं, और इनके ऊपर एक पिलर खड़ा होगा, देख सकते हैं ये तोड़ा जाएगा, जैसे कि वो तोड़े गए हैं वो देख सकते हैं, वो टूटे हुए हैं, इसी तरीके से ये भी तोड़े जाएंगे, फिर इनका सरिया निकाला जाएगा, और सरिये पे कुछ इस तरीके का ये पिलर खड़ा किया जाएगा। देख सकते हैं ये तस्वीर है, इस तरीके का ये पिलर खड़ा कर दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी इस पर लेबलिंग का काम होगा, इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा इसके ऊपर, और फाउंडेशन जैसे कि वो फाउंडेशन बनाया गया है
उसी तरीके का यहाँ पर भी फाउंडेशन बनाया जाएगी, ये तोड़े जाएंगे, इनका सरिया निकाला जाएगा और उस तरीके से ये पिलर खड़ा कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ और फिर आप लोग बताना। देख सकते हैं तस्वीर है, ये चार पिलर हैं देखिए, और ये चार पिलर पर ही एक पिलर ऊपर खड़ा होता है। देखिए किस तरीके से ये NCRTC वर्क कर रही है इस पर, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है तेज़ी के साथ में। गाइस देखिए ये इस तरीके का इसमें वर्क किया जाता है, और देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो रिंग लगाने का काम था वो लगा दिया गया है, और देखिए इसमें जो फाउंडेशन का काम किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है वो देख सकते हैं। इसमें फाउंडेशन लगा दिया गया है, ये फाउंडेशन का ही काम है। और देखिए ये बार बार जो रिंग लगे हुए हैं ये लगा दिए जाते हैं पिलर पर। देखो ये देखिए ये रिंग लगा दिए गए हैं बाहर से, अब इसके अंदर कंक्रीट भर दिया जाएगा मसाले की तरफ से, ये बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और ऊपर जो रिंग नहीं लगाए गए हैं ऊपर की साइड में देख सकते हैं, देखो ये उंगली के ऊपर जो नहीं लगाए गए हैं रिंग उन पे पिलर कैप का काम किया जाएगा। तो देख सकते हैं बस यही नज़ारा है गाइस, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, और नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। गाइस देख सकते हैं इस तरीके से ये भी बना दिया गया है, इस पर फाउंडेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और इस पर रिंग भी लगा दिए गए हैं, बस इस पर कंक्रीट की मदद से अब इसको भरना बाकी रह गया, तो ये जल्दी भर दिया जाएगा। देख सकते हैं ये जो रिंग लगे हुए हैं ये पूरा रिंग लगा दिया जाएगा, और जो सरिये ये पड़े हुए हैं नीचे ये भी इनको चिपका दिए जाएंगे कंक्रीट की मदद से। तो यही नज़ारा है, और आपको बता दूं कि ये जो जगह है ये है मुरादनगर, उत्तर प्रदेश इंडिया में आता है गाइस, देख सकते हैं। तो अभी काफ़ी वर्क अभी कंप्लीट होने के लिए है, और देखिए आपको आगे आगे बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आप लोगों के बीच में, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें गाइस। अब यहाँ से चलते हैं आगे और फिर दिखाते हैं कि इस पर पाइल कैसे किया जाता है, वो भी आप लोग देख लो, कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से ये वीडियो बनाकर लाया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से मशीन पाइल करती है, और ज़मीन के अंदर 120 फीट गड्ढा किया जाता है गाइस, और उसके अंदर इसमें तीन रिंग डाले जाएंगे गाइस, तीन रिंग किस तरीके से ये पिलर बनाया जाता है, किस तरीके से गड्ढा किया जाता है वो आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। देखिए कुछ इतना बड़ा होता है ये, और वो रिंग पड़े हैं वो डाले जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर वो रिंग डाले जाएंगे, और तो देखिए वो कै फुट का रिंग होता है, आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। तो यही नज़ारा है, और इसमें लोहे का है, फिर लोहे के अंदर इसको ये डाला जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। देखो किस तरीके से घूमता है ये देखो, पूरी भारी भरकम मशीन है ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गाइस आपको बता दूं कि देखिए ये ज़मीन के अंदर ये डाले जाते हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये कितना लंबा चौड़ा, ये देखो ये है रिंग, इसके अंदर डाले जाएंगे, जो कि ये 40-50 फुट का है, ठीक है 50-60 फुट का है ये रिंग, देख सकते हैं ये तीन रिंग है, और इसके अंदर चार रिंग पांच रिंग जाते हैं। तो देख सकते हैं ये पाइलिंग मशीन है, ये पाइलिंग, ये गड्ढा किया जा रहा है, और उसके अंदर फिर ये रिंग डाले जाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, देखिए आप लोग खुद। अब कितने लंबे चौड़े हैं इसमें जो ज़मीन के अंदर जाते हैं, और भारी भरकम है देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मजबूती के साथ में वर्क किया जाता है गाइस, और आपको अभी बता देते हैं कि जो ये पाइलिंग कर रहे हैं इनसे कि इसमें कै फुट ज़मीन के अंदर रहता है गाइस। देखो ये निकाल दिया गया है, देखो ये देखो ये देखो, ये देखो ये मिट्टी आई निकल के, ये देखो चिपक गया, ऐसे
नई वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा।